नमस्ते, स्वागत है आप सभी का शक्ति योगा विद शैली में। माय रिलेशनशिप्स आर हार्मोनियस। इस पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ हम डे 15 की शुरुआत कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी। अपने आप को ज़रूर याद दिलाएं कि मेरा खुद के साथ रिश्ता और दूसरों के साथ रिश्ता हार्मोनियस है। और इसी के साथ पहला मूव, आर्म्स को स्ट्रेच किया, पाम्स फेसिंग आउट, और जैसे आप किसी को धक्का दे रहे हैं, हवा को पुश कर रहे हैं, 15 बार इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, 15 बार पीछे की तरफ। करते रहें मेरे साथ। इसके बाद हाथों को ऊपर टर्न किया और जैसे हम बॉल को हवा में बाउंस कर रहे हैं, 15 बार। और अब जैसे कुछ नीचे पुश कर रहे हैं, आर्म्स आपके स्ट्रेट रहेंगे, बेंड नहीं करना एल्बोज को। एंड रिलैक्स, यू फील इट इन योर शोल्डर्स। और अब सीटेड साइड टर्न, सांस भरते हुए राइट आर्म अप, सांस छोड़ते हुए पीछे भेजा, लेफ्ट हाथ आपकी राइट घुटने पर, एंड यू आर लुकिंग बैक टू द राइट साइड। कम से कम 10 सेकेंड्स तक यहाँ पर रहेंगे, सांस लेते रहें। और आराम से वापस सेंटर में आए। लेट्स टेक इट टू द अदर साइड। तो सांस भरते हुए लेफ्ट आर्म अप, एक्सहेल, सेंड इट बिहाइंड यू एंड टर्निंग टू योर लेफ्ट। होल्ड करेंगे इस टर्न को 10 सेकेंड्स के लिए, ब्रीद करते रहेंगे। एंड gently coming back to the center. इसके बाद हम अपनी knees पर आ जाएंगे, hips and knees in one straight line, और हम अपनी right leg को to the side stretch करेंगे। Right arm आपका right leg पर रहेगा, जितना नीचे आप उसे ले जा सकते हैं। सांस भरते हुए left arm को ऊपर stretch किया। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को इस वक्त बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। ट्राई टू ब्रीद इन टू योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। 5, 4, 3, 2, 1, कमिंग आउट ऑफ इट। अब अपने लेफ्ट हैंड को हमने नीचे भेजा और राइट आर्म ऊपर। राइट साइड ऑफ द बॉडी की स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करेंगे और गेज अप टू द स्काई। बैलेंस मेंटेन करते हुए ऊपर आएंगे एंड लेट्स टेक इट टू द अदर साइड। तो अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेच आउट किया, लेफ्ट आर्म आपका स्लाइड करेगा लेफ्ट लेग पर। सांस भरते हुए हमने राइट आर्म को ऊपर स्ट्रेच किया, हमारी गेज भी ऊपर है इस वक्त। ब्रीद इन टू द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। 5, 4, ब्रीद डीपर, 3, 2, 1। अब राइट आर्म नीचे गया, लेफ्ट आर्म ऊपर, मेंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड। ब्रीदिंग डीप, 5, 4, 3, 2, 1, बैक टू योर नीज।
इसके बाद अपनी नीज और हिप्स को एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, हाथों को आगे स्ट्रेच कर दें और अपनी चेस्ट को आप जितना नीचे ला सकते हैं उतना नीचे लेकर आएं। आपकी चिन भी ग्राउंड पर रेस्ट करेगी, पपी पोज। शोल्डर्स को, अपर बैक को ओपन करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए बेहद अच्छा पोस्चर। धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट से ऊपर आएंगे, टेबल टॉप पोजिशन, अ फ्यू रिलैक्सिंग ब्रेथ्स हियर, और उसके बाद एक बार फिर हम पपी पोज करेंगे। हाथ आगे की तरफ हैं, आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट हैं, चेस्ट आप जितना नीचे ला सकते हैं। हो सकता है पहली बार कर रहे हैं तो चेस्ट मैट को नहीं टच कर रही, एक कुशन रख सकते हैं और कुशन पर रेस्ट कर सकते हैं अपनी चेस्ट को, लेकिन पुश नहीं करना है। अपने आप को एनकरेज करें लेकिन पुश ना करें। ऑलराइट, टेबल टॉप पोजिशन में एक बार फिर, और अब अपने टोज को हमने टक किया और यहां से पुल किया अपने आप को डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजिशन के लिए। अब यहां से स्टेप अप विद योर राइट फुट, लेफ्ट नी नीचे है हमारी, एक क्वाड स्ट्रेच करेंगे। तो हमने अब लेफ्ट नी को बेंड किया। मे बी आज आप यहीं रुकना चाहें, और अगर कर पाएं बिना बैलेंस लूज करें तो राइट आर्म को पीछे जेंटली स्विंग करते हुए लेफ्ट फुट को पकड़ लें और ऊपर देखें। कमिंग बैक टू द लो लंज पोजिशन, और अब लेफ्ट नी और हिप को एक स्ट्रेट लाइन में ले आएंगे और राइट लेग को हम स्ट्रेट कर लेंगे लाइक दिस। अब यहाँ अगर राइट फुट को पूरी तरह से मैट पर रखना अवेलेबल नहीं है तो हम ऐसे टोज को लिफ्ट कर सकते हैं। आज जो अवेलेबल है आप वो करें, एक स्ट्रेट बैक मेंटेन करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, टेबल टॉप पोजिशन में वापस, टोज को टक करके एक बार फिर डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और ये स्ट्रेच अब हम दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी साइड में लेकर जाएंगे। तो इस बार स्टेप अप करेंगे विद द लेफ्ट फुट, राइट नी ऑन द मैट। अब राइट नी को बेंड करेंगे। मे बी आज हम यहीं रुकना चाहें, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, और अगर अवेलेबल है तो लेफ्ट हैंड को पीछे भेजकर राइट फुट को पकड़ लें। ट्विस्ट भी ऐड कर दिया इस स्ट्रेच के साथ। Gently coming out of it. अब राइट नी और राइट हिप को हम एक स्ट्रेट लाइन में ले आए और आराम से लेफ्ट लेग को हमने स्ट्रेटन किया, सीधा किया। 5, 4, 3, 2, and 1. We will gently come out of it now. यहाँ से बालासन में आ जाएं और कुछ पलों के लिए रिलैक्स करें और अपने आज के पॉजिटिव एफर्मेशन को याद करें। अब वहाँ से सीटेड पोजिशन में आ जाएं। वज्रासन से हमने लेग्स को स्लाइड आउट किया और दंडासन पोजीशन में हम आ गए हैं। बैक हमारी सीधी है, लेग्स हमारी सीधी स्ट्रेच्ड आउट हैं। दंडासन पोजीशन से अब हम करेंगे पश्चिम उत्तनासन। सांस भरी और छोड़ते हुए हमने बिग टोज को पकड़ लिया, फिर सांस छोड़ते हुए जितना नीचे हम जा पाए उतना गए। पश्चिम उत्तनासन में स्ट्रेच आपकी हैमस्ट्रिंग्स से आना चाहिए,
बैक को जोर नहीं लगना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल, रिलैक्स। अर्ध मत्स्येन्द्र आसना, राइट नी को बेंट किया और नीचे से लेफ्ट लेग को भी हमने मोड़ लिया। सांस भरते हुए राइट आर्म अप, एक्सहेल करते हुए पीछे भेजा, या तो आप लेफ्ट आर्म को इस तरह से रख सकते हैं, अगर बाइंड अवेलेबल है तो आप कंप्लीट बाइंड भी कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, कमिंग आउट ऑफ इट। और अब यहां से गौमुख आसना, लेग्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच्ड आउट हैं और नीज एक दूसरे के ऊपर हैं। ये पैरों की पोजीशन, हाथों की पोजीशन, राइट आर्म को ऊपर ले जाकर बेंड किया, लेफ्ट आर्म को नीचे से पीछे रैप किया। हो सकता है हाथ पकड़ पाए, हो सकता है नहीं। रिलीज योर लेग्स। अब ये स्ट्रेच हम दूसरी साइड करेंगे। अर्ध मत्स्येन्द्र आसन और गौमुख आसन की डिटेल्ड वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। बाइंड अगर अवेलेबल है तो हम बाइंड करेंगे, वरना हाथ को हम सिंपली जैसे पहले पोज में हमने स्ट्रेच किया था वैसे कर सकते हैं। कमिंग आउट ऑफ इट। और अब यहां से गौमुख आसन, काउ फेस पोज। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। पोज को रिलीज करेंगे और आराम से अपनी मैट पर आप लेट जाएं शवासन में। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।